हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टूडेज क्लास आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास टेन का जो है उस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज किए हैं और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे सो स्टे ट्यून एंड वॉच द होल वीडियो सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके okay? और बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से पार्ट या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप लोगों को डाउट है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं तो so, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये पूरा पीडीएफ uh, या फिर क्लास को अटेंड करेगा आप लोगों का जो एसिड एंड सॉल्ट का जो होल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर से जो यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर से आ, हम लोग ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से एसर्शन रीजन यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है एसर्शन क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विद डिस्टिल वाटर एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है यानी कि पीएच जो है वो ग्रीन कलर देता है न्यूट्रल डिटिल वाटर तो न्यूट्रल है ओके इट इज करेक्ट दैट मीन्स एसर्सन जो है वो करेक्ट है रीजन की तरफ चलते हैं द पी एच ऑफ डिस्टिल वाटर इज सेवन वो भी करेक्ट है एंड इट इज़ न्यूट्रल यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ न्यूट्रल सोलूशन दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट और दोनों करेक्ट है एसर्सन रीजन एंड दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है ओके okay. रीजन जो है एसर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है सो so, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन जहां पे बोथ ए एंड आर आर और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग क्योंकि यहां पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सेट किया है तो वन शॉट में हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ओके विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एन ए इच सी ओ थ्री फॉर्म्ड बाई ओ थ्री क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा ओके यह है एक्चुअली बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा सो बेकिंग सोडा को किस तरीके से बनाया जाता है सो so, हम लोग रिएक्शन आप लोगों को याद करना होगा दैट इज एन एच प्लस एच टू सी ओ थ्री ओके फॉर्म हो जाएगा एच टू ओ प्लस एन ए एच सी ओ थ्री ओके सो दिस विल बी द अल्टीमेट फॉर्म सो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन ए ओके आप लोग को यहाँ पे रिएक्शन देखिए यहाँ पर सी एल तो होगा ही नहीं बिकॉज जो कि यहाँ पर है बेकिंग छोटा पे सी एल नहीं है तो यहाँ पर भी सी एल नहीं होगा ये ऑप्शन भी नहीं होगा सो so, सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकता था बट यहाँ पर एन ए है यहाँ पे एन ए है सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा ओके okay? सो so, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल इट्स नेचर इज क्या होगा कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो टूथ एनामल में प्रेजेंट है और वो उसका नेचर जो है बेसिक है यह या आपको याद रखना होगा ठीक है सो बेसिक नेचर है कैल्शियम फॉस्फेट का सो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं एन एक्वाज सोल्यूशन टर्म्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू ओके रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज अभी यहां पे क्वेश्चन पे बोला है कि एक्वास सोल्यूशन जो है रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है यानी कि रेड लिटमस को टर्न करता है किसमें ब्लू सो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा यानी कि बेसिक सोल्यूशन ये जो एक्वाज सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन तो बेसिक के साथ क्या ऐड करना पड़ता है ताकि वो पहले जैसा आ जाए ऑब्वियसली बेसिक के साथ एक एसिड ऐड करना पड़ेगा सो फर्स्ट थ्री ऑप्शन में एक भी एसिड नहीं है सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको स्टार मार्क दे के रखता हूं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक शेल इज मेड अप ऑफ ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे एक शेल जो व्हाइट कलर का शेल होता है आ, तो ये ये जनरली हार्ड होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मैक्सिमम व्हाइट चीज जो है कैल्शियम उसमें रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ओके सो तो एक शेल कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद रखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक सॉल्ट वेरी गुड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सॉल्ट अभी हम एसिडिक सॉल्ट या फिर बेसिक सॉल्ट किस तरीके से डिटर्माइन करेंगे सपोज यहाँ पर जो है जो मुझे पता है इसका ऑप्शन है दिस इज ओके ऑप्शन डी अभी आपको दिखाता हूँ कि ये एसिडिक सॉल्ट कैसे नहीं है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए के साथ अगर हम लोग एच टू ऐड करते हैं यानी कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ही हम लोगों को पता चलता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन ए ओ एच फॉर्म होता है ठीक है सो so, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है दिस इज स्ट्रांग बेस स्ट्रोंग बेस तो ये हो जाएगा वीक एसिड ओके बिकॉज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड मिला के एक फॉर्म होता है सॉल्ट ओके सो ये जो फॉर्म है ये स्ट्रॉन्ग बेसिक का ही नेचर दिखाएगा बिकॉज ये स्ट्रांग बेसिस है तो ये एक बेसिक सॉल्ट है दैट मीन्स ये एसिडिक नहीं है ओके यहां पे सी एल है सी एल है दैट मीन्स यहाँ पे एच सी एल आ जाएगा विच इज स्ट्रांग एसिड और यहां पे एच टू एस ओ फोर आ जाएगा विच इज स्ट्रांग एसिड तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा आपको ये शायद आ, समझ में आ गया होगा कि क्यू सी एच सी सी ओ एन ए को हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं सिर्फ आपको हाइड्रोलाइसिस करना होगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आ, आपको सॉल्व करना है तो ठीक है सो so, इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे स्टार मार्क दे के रखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक इसको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स तो नहीं होगा uh, यहाँ पे सिंपल एंटासिड हो जाएगा ओके okay? बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था इन uh, डाइजेशन पे हम लोग एंटासिड लेते हैं बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंटासिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोक्थलिन सोल्यूशन क्या अभी आपको यह जानना होगा कि फेनोप्थलिन सोल्यूशन एसिड में किस कलर दिखाते हैं और बेसिक में किस कलर दिखाते हैं क्या आपको पता है फेनोपथलिन कौन सा कलर शो करते हैं फेनोपथलिन जो है एसिड में इट इज कलरलेस कलरलेस ओके और फेनोप्थलिन बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक सो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फेनोथलिन को कौन सा कलर में टर्न करेगा बिकॉज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज बेस सो आंसर विल बी पिंक वेरी इजी ऑप्शन आपको सिर्फ ये याद रखना है बाकी सब ऐसे हो जाएगा ठीक है चैप्टर का ईच एंड एवरी कॉर्नर से यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने इस इस पीडीएफ में या फिर इस क्लास में हम लोगों ने आ, चूज किए हैं आप लोगों के लिए ओके नेक्स्ट so, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच एन एच इज वन ऑफ द स्ट्रांग बेस आपको याद रखना होगा ठीक है इट इज अ स्ट्रांग बेस बेस है बट वीक बेस नहीं है इट इज अ स्ट्रांग बेस ओके नेक्स्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत आ, एक इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है बट इसका आंसर आपको जानना पड़ेगा एसिड रेन रेन इज कॉल्ड रेन, वेन इट्स पी एच एसिड रेन कब होगा कब बोल सकते हैं एबव सेवन तो होगा ही नहीं बिलो सेवन हो सकता है बिलो सिक्स हो सकता है बट एग्जैक्ट जो है वो है बिलो फाइव पॉइंट सिक्स यानी कि फाइव पॉइंट सिक्स के नीचे जब होगा तब हम लोग एसिड रेन बोल सकते हैं इसको ओके, okay, सो so ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था इट इज कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट जो हम लोग का टूथ एनामल पे होता है वो बेसिक नेचर का होता है ओके मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द रेंज पी एच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको जिनको पता होगा वो लोग ही आंसर कर सकते हैं ओके पी एच रेंज कितना है ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का जो पी एच रेंज है इट इज सेवन टू सेवन पॉइंट एट दैट मीन्स बेसिक नेचर है ओके बट बेसिक होने के बावजूद भी आपको याद रखना होगा सेवन टू सेवन पॉइंट एट क्योंकि क्लोज वैल्यू भी है सेवन पॉइंट टू टू एट भी है वो नहीं होगा ठीक है सेवन टू सेवन पॉइंट एट वैल्यू आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वॉज पुट ऑन पी एच पेपर द पेपर टर्नस ब्लू द लिक्विड सैंपल मस्ट बी क्या होगा अभी जो यहां पे पीएच पेपर है पी एच पेपर क्या हो गया पेपर टर्नस ब्लू ब्लू कलर कब देते हैं पी एच पेपर बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है लिक्विड ड्रॉप सैंपल जो है पीएच पेपर के ऊपर डाल गया लिटमास पेपर नहीं बोला यहां पे पीएच पेपर बोला तो पीएच पेपर ब्लू टर्न हो गया दैट मींस इट इज बेस ये जो सैंपल लिया है ये सैंपल क्या है इट इज बेस बिकॉज जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर ये पीएच स्केल है तो यहां पे सेवन रहता है मिडल पे और यहां पे जीरो लास्ट में फोर्टीन यहाँ पे रहता है वायोलेट कलर मिडल पे रहता है ग्रीन एंड यहाँ पे डार्क रेड यानी कि रेड सो इस साइड से वीपजी और करके हम लोग आ सकते हैं विप जी और, तो ब्लू वी आई बी जी उसके बाद दैट मीन्स इस जगह पे होगा ब्लू ओके सो ब्लू कलर दैट मीन्स बेस में होगा तो ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट विच इज बेसिक नेचर बाकी सब एसिड है क्लियर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इस पर नॉलेज बहुत चाहिए ट्विस्ट करके दिया है इस क्वेश्चन को इसलिए हम लोग इसको फिर से स्टार मार्क दे के रखते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरिन गैस टू गिव दिस वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एन बुक से पूछा गया है ओके सो लाइम वाटर क्या है लाइम वाटर इज जिनको इनको पता है इट इज़ वेरी गुड जिनको पता नहीं है जान लीजिए यहाँ से दिस इज लाइम वाटर ओके रिएक्ट विथ क्लोरिन गैस क्या देता है इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ओके प्लस एच टू ओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट ब्लीचिंग पाउडर सो ऑप्शन विल बी ब्लीचिंग पाउडर देख रहे हैं इक्वेशन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है ओके सो so, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे के रखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यस ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पूछा गया है जो जो टेक्स्ट बुक माइन्यूटली पढ़ रहे होंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे ओके एट वाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेज जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेज में टर्न होता है वेरी गुड हम लोग को भी पता है सभी स्टूडेंट इक्वेशन को पढ़ के जाएगा बट टेम्परेचर कितना चाहिए कितना हीट करना पड़ेगा इट इज हंड्रेड डिग्री सी बिकॉज वाटर को बॉयल होना पड़ेगा वाटर इवापोरेट होना पड़ेगा ओके तो इट इज हंड्रेड डिग्री सी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ इज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ वेरी इजी क्वेश्चन एन सी आर टी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये इट इज वॉशिंग सोडा ओके वॉशिंग सोडा इज एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट अभी सोडियम <coughs> कार्बोनेट जो है बेसिक सॉल्ट है अभी किस तरीके से हम लोग जान पाते हैं कि ये बेसिक या फिर एसिडिक सॉल्ट है हाइड्रोलाइसिस करके यानी कि एन ए टू थ्री प्लस एच टू ओ करेंगे क्या आ जाएगा एन ए टू थ्री डॉट एस टू ओके सो दिस इज एल्कालाइन एल्कालाइन यानी कि स्ट्रोंग ओके स्ट्रोंग बेस है तो स्ट्रांग बेस के साथ क्या होता है एक वीक एसिड होता है डेफिनेटली तो स्ट्रोंग बेस प्लस वीक एसिड तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओके okay. चलिए इसको हम लोग एक्चुअली uh, इस तरीके से लिख सकते थे टेन स्टोर डॉ टेन एस्टोर तो ये बैलेंस हो जाता है यहाँ पे तो दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन एक्चुअली ओके okay. तो वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस ये स्ट्रांग बेस है तो उसके साथ वीक एसिड होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टोमेटो इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड ये जिसको जिनको पता है वो लोग ही आंसर कर पाएंगे इसलिए इसको स्टार मार्क दे के रखते हैं इट इज डायरेक्ट ऑक्जाइलिक एसिड ठीक है टोमेटो में जो एसिड रहता है वो ऑक्जाइलिक एसिड रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ब्राइन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली जो कॉमन क्वेश्चन है ब्राइन मीन्स एन ए सी एल का सोल्यूशन प्लस वाटर इसको हम लोग ब्राइन कहते हैं दैट मीन्स एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सी बहुत ईजी है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज फॉर्म वेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यहां पे मैं दो स्टार लगा के रखता हूं ठीक है डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बट इसको घुमा के ट्विस्ट करके दिया है जिंक क्या होता है जिंक जेड एन प्लस एन ए ओ एच ओके यही क्वेश्चन फर्क लाएगा जो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मिलेगा और किसी को नाइन्टी मिलेगा जो ये ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा उसी को हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मिल जाएगा ओके दिस इज द टर्निंग क्वेश्चन चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जेड एन प्लस एनओ एच इट इज सोडियम जिंकेट एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू इसका नाम क्या है इट इज सोडियम जिंकेट ओके सोडियम जिंकेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेन हाइड्रोजन गैस सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ प्रिपेयरड ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजली पासड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड यह भी क्वेश्चन जो है कंप्लीटली एन सी आर टी बुक का क्वेश्चन है ठीक है हाइड्रोजन गैस अगर ह्यूमिड डे में प्रिपेयर करता है ह्यूमिड डे मीन्स वट मॉइस्चर रहेगा तो गैस को पास थ्रू कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब से पास करना पड़ता है डेफिनेटली क्यों करना पड़ता है ताकि वो मॉइस्चर जो है गैस से एब्जॉर्ब कर पाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओके तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस ओके यही है रोल इसका रोल गार्ड ट्यूब का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बना होता है डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन है ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है चलिए इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है बाद में शायद इक्वेशन भी आ जाएगा बहुत सारे एमसीक्यू है बाद में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एसर्सन रीजनिंग ब्लीचिंग पाउडर ओके कैल्शियम ऑक्सीक्लॉइड अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर लिवरेज क्लोरिन गैस वैन कैप्टीन एटमोसफियर डेफिनेटली क्लोरिन गैस छोड़ता छोड़ता है जब एटमोसफेयर पे रखते हैं इसका इक्वेशन किस तरीके से होगा एसर्शन इज करेक्ट रीजन देखते हैं सी ए ओ सी एल टू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस तो यही लिखा रीजन पे दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन बहुत करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है चलिए यहां पे रीजन पे ही यहां पे यह जो इक्वेशन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट से इक्वेशन है याद रखना होगा ठीक है चलिए इसके लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे के रखते हैं सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असाशन रीजन एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस फाइन तो इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे सपोज़ एन एच फोर सी एल एमोनीय क्लोराइड के साथ अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एल तो एच सी एल तो स्ट्रोंग एसिड पता है स्ट्रांग एसिड सो इसके साथ क्या होगा वीक बेस हो जाएगा वीक बेस सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है एसर्शन रीजन एसर्शन जो है करेक्ट है रीजन को देखते हैं फेनापथालिन बिकम्स पिंक इन एन एच फोर ओ एच फेनापथालिन जो है पिंक हो जाएगा क्योंकि ये बेस है तो ये पिंक हो जाएगा करेक्ट बट एक क्यूब वीक बेस एक्सप्लेन कर रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सा ऐसा रीजन है इसको हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ए जी टू एस रिएक्ट्स विथ एच टू एस ओ फोर यानी कि इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस एच टू एस ओ फोर यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ए जी टू एस ओ फोर एक्सचेंज हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस एच टू एस सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन नहीं ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वेरी सिंपल ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट फर्स्ट uh, uh, जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इसी चैप्टर का एक पार्ट है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अ सैंपल ऑफ सॉयल इज मिक्सड विथ वाटर ओके एंड अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपर इंटेंट सोल्यूशन टर्नज द पी एच पेपर येलो इश ऑरेंज ऑरेंज येलो ऑरेंज पे टर्न किया है ये सोल्यूशन वेरी गुड विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पी एच पेपर टू ग्रीन इश ब्लू अभी फिर से हम लोग को पी एच का जो स्केल है वह ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे सेवन रहता है जहाँ पे आ, ग्रीन कलर रहता है और फोर्टीन पे रहता है क्या वायोलेट और जीरो पे रहता है रेड येलोइश ऑरेंज फिप जी और अगर करके आएंगे तो येलोइश ऑरेंज कुछ इस तरीके से फाइव पे हम लोग को मिलेगा येलोइश ऑरेंज ओके दैट मीन्स जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था तो एसिडिक के साथ नहीं अभी क्या करना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड चेंज द कलर ऑफ द पेज टू ग्रीनिश ब्लू अभी ग्रीनिश ब्लू में टर्न करना है ग्रीनिश ब्लू यहाँ पे रहता है ग्रीन ब्लू यानी कि एट पे रहता है ओके सो कौन सा ऑप्शन होगा ग्रीनिश ब्लू के लिए हम लोग फाइव से एट की तरफ जाएंगे दैट मीन्स हम लोग को कुछ बेस ऐड करना होगा बेसिक तो लेमन जूस तो नहीं होगा एसिडिक है ये भी नहीं होगा ये तो न्यूट्रल है एंटासीड इज बेसिक ओके सो एंटासिड विल बी द करेक्ट ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये पीएच के ऊपर बेस्ड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर आपको सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे सो ब्लू विट्रॉल ब्लू विट्रॉल मीन्स क्या होता है कॉपर सल्फेट दिस इज कॉपर सल्फेट सी यू एस ओफो डॉट कितना ई होता है कॉपर सल्फेट पे कॉपर सल्फेट कितना होता है कॉपर सल्फेट पे इट इज चलिए इसको छोड़ देता हूँ ब्लैंक रखता हूँ या आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने के लिए दिया हूँ डॉट यहाँ पे ब्लैंक ईस्टू रख देता हूँ ओके यहाँ पे कुछ वैल्यू बैठेगा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ओके इट इज़ एन एच सी ओ थ्री सो बेकिंग सोडा पे कोई किसी तरीके का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होता है वॉशिंग सोडा पे होता है वाशिंग uh, सोडा पे क्या होता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट कितना इज टू टेन इज टू ओके और जिप्सम पे भी होता है जिप्सम मीन्स सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू सो ट्वेंटी एट का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इट इज वट इट इज बेकिंग सोडा ओके एन एच सी यहाँ पे आ, कुछ भी क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है नहीं होता है यहां पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेंट्स चलिए कैल्शियम सल्फेट जो है कितना मॉलिक्यूल रहता है कैल्शियम सल्फेट पे इट इज सिंपली कितना टू क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज कैल्शियम सल्फेट सो टू एच टू ओ ओके चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को देखिए ये थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है बट वेरी सिंपल है टेन एम एल ऑफ़ सोल्यूशन ऑफ ए एन इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई एट एम एल ऑफ़ ए गिवन सोल्यूशन ऑफ़ एच सी एल दैट मीन्स इसको अगर हम लोग कुछ इक्वेशन में लिखते हैं टेन एम एल ऑफ़ एन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एट एम एल ऑफ एच सी एल देना पड़ता है सो इफ वी टेक ट्वेंटी एम एल ऑफ़ एन एच तो कितना एम एल ऑफ़ एच सी एल चाहिए तो सिंपल इसके साथ टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके साथ टू मल्टीप्लाई दैट मीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन बी द करेक्ट ऑप्शन वेरी सिंपल था बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट वे में पूछा गया इसलिए हम लोग इसको स्टार मार्क दे के रखते हैं इसका रेशियो निकालना है उसके बाद आप लोग कर पाएंगे ओके यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता था कि 24 फोर एम एल पे ओके ट्वेंटी फोर एम एल पे अगर पूछते थे यहां पर तो आपको रेशियो निकाल के वो पोर्शन निकालना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एन एक्वास सोल्यूशन टर्नस एक्वास सोल्यूशन टर्नस रेड लिथमस सोल्यूशन ब्लू रेड लिथमस को ब्लू में टैंक करता है दैट मीन्स ये सोल्यूशन क्या है इट इज बेसिक सोल्यूशन या फिर बेस एक्सेस एडिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज क्या ऐड करने से ये रिवर्स हो जाएगा तो इसके साथ एसिड ऐड करना पड़ेगा ठीक है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपल सा ऑप्शन है तभी ये बैक करके एसिड में जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज ये आपको जानना पड़ेगा यूजेस सभी का यूजेस आप लोग को याद रहना होगा तभी ये आप लोग कर पाएंगे एंटासिड पे तो नहीं होता है बैटरीज पे भी नहीं होता है क्लिनजिंग एजेंट भी नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप सोप बनाने समय ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल क्वेश्चन को घुमा के दिया है ए सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एक्शल टू गिव ए गैस क्रस्ट एक शेल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट ओके इसके साथ एक सोल्यूशन यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं के साथ निकल आ, हम लोग जब करेंगे सोल्यूशन के साथ कैल्शियम के कार्बोनेट टू गिव ए गैस एक गैस देता है दैट टर्नस लाइम वाटर मिल्की ये गैस क्या करता है लाइम वाटर मिल्की में टर्न करता है दैट मीन्स ये गैस कौन सा निकलेगा इट इज कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू ओके द सोल्यूशन कंटेंट्स क्या अभी किसके साथ क्या ऐड करने से क्या होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इट मस्ट बी एच सी एल बुक का ही क्वेश्चन है बुक का ही क्वेश्चन है एनसीआरटी का क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच सी एल इक्वल टू सी ए सी एल टू प्लस सी ओ टू प्लस एच टू ओके okay. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के यहां पे पूछा गया है सो आंसर विल बी एचसीएल सी एल ठीक है सभी इक्वेशन जो है यानी कि रिएक्शन जो है कंप्लीटली याद रहना पड़ेगा चलिए थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन वेन कॉपर ऑक्साइड एंड डायल्यूट हाइड्रोक्सिड रिएक्ट्स कलर चेंजेस टू क्या हो जाएगा हम लोग लिख लेते हैं सी कॉपर सी यू ओ प्लस एच सी एल इट इज़ अगेन फ्राम बुक एन सी आर टी इसलिए हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं तो so, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा सी यू सी एल टू प्लस एच टू दिस कॉपर क्लोराइड जो है वो ब्लूश ग्रीन कलर होता है ओके सो इट इज ऑप्शन बी चलिए इफ पी एच ऑफ सोल्यूशन इज थर्टीन इट मींस डेट अभी थर्टीन फोर्टीन होगा तो इसका कलर वायलेट हो जाएगा पीएच में और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ओके okay? सेवन के बाद तो बेस होता है तो ये स्ट्रांगली बेस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था इसको पी एच वैल्यू जनरली स्टूडेंट्स को पता होता है तो आंसर इजीली कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेटल स्टिंग नेटल का जो एक पत्ता होता है नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड ये कंप्लीटली ये येलो बॉक्स में एन बॉक्स में ये क्वेश्चन जो है यहाँ से लिए गए हैं इट इज़ मिथानोइक एसिड ओके नेटल स्टिंग में मिथानोइक एसिड रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कलीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एल्कलीज आर क्या होगा एल्कलीज वन टाइप ऑफ क्या होता है बेस होता है यहाँ पे दो ऑप्शन है विच आर इनसोल्यूबल और सोल्यूबल एल्कलीज डेफिनेटली सोल्यूबल होता है वाटर पर सो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सोल्यूबल इन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम पार्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्जाम पे ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड इंड स्पाई प्लास्टर ऑफिस का फॉर्मूला क्या है सी ए एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू प्लस उसके साथ वन होल वन बाई टू एच टू ऐड करना पड़ता है ओके okay. क्या फॉर्म होता है हम लोग नीचे लिखते हैं इस इक्वेशन को सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू इट इज जिप्सम जिप्सम बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो ठीक है सो so, हार्डेंस बाई क्या हो जाएगा गिविंग ऑफ सीओ टू या फिर कंबाइनिंग विथ कैल्शियम कार्बोनेट या क्या हो जाएगा यहाँ पे गिविंग आउट वाटर नो ओके यहाँ पे uh, कुछ ऑप्शन दिया है कि चेंजिंग इन टू कुछ इनकम्प्लीट है एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा जिप्सम था चेंजिंग इंटू जिप्सम ओके ऑप्शन so, बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर मींस स्मेल स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड ओके रिजेंबल्स दैट किसके साथ एसिडिक एसिड acid का स्मेल मैच uh, होगा इट इज़ रोज के साथ डेफिनेटली नहीं होगा इट इज विनेगर के साथ एसिडिक एसिड और विनेगर ऑलमोस्ट सेम रहता है सेम नेचर का एसिड है सो so, विनेगर के साथ उसका स्मेल मैच होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एन सी आर टी बुक का एच प्लस आयन कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव मीटर ओके मीटर नहीं एक्चुअली एम है मोल ओके okay. कंसेंट्रेशन द सोल्यूशन इज क्या होगा अभी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है ज़्यादा तो H प्लस आयन क्या करता है एसिडिक नेचर क्रिएट करेगा दैट मीन्स इट इज एसिडिक नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं तो इस क्लास uh, को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हार्डली और पाँच से सात मिनट यहाँ पे लग जाएंगे ओके okay? बहुत वाइटल क्लास ये ये वाला क्लास जो है बहुत वाइटल हो रहा है बिकॉज आप लोग देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है डिफाइन डिफाइन पार्ट से एकदम सभी ईच एंड एवरी इक्वेशन लाइन को मिला के ये क्वेश्चन लिया गया है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे तीन ही टाइप का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर एसिडिक एसिड तो लास्ट तो नहीं होगा सबसे कम तो होता ही नहीं है आइट इज सबसे कम हो जाएगा वाटर उसके बाद एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ऑप्शन ए सिंपल पीक है सब लोग इसको कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक एक्वा एक्वास सोल्यूशन विथ पी एच जीरो पी एच जीरो मीन्स एसिडिक और कुछ नहीं देखना पड़ेगा और उसका कलर क्या होगा पी एच का इट इज रेड कलर ओके फोर्टी टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री विच आर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मैंने पहले ही करा चुका हूँ एक्चुअली रिपीट हो गया इट इज़ बेकिंग सोडा एन ए एच सी ओ थ्री यहाँ पे कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजम्बल्स दैट ऑफ ये भी एक्चुअली यहाँ पे uh, रिपीट हो गया है विनेगर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्टी फाइव द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेटिंग जो है क्यों होगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ सपोज हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर ऐड करना होता है तभी तो ये फॉर्म होता है जिप्सम सो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रेशन करना पड़ता है ओके ऑप्शन विल बी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं होगा डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर को उठा लेना है इसको वाटर उठा लेना है हम लोग उठाते नहीं है वाटर को वाटर ऐड करते हैं ओके okay? सो so, ये इसी के लिए इसको हम लोग स्टार मार्क रखेंगे यहाँ पे इट विल बी हाइड्रेशन चलिए आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन यस सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज़ क्या होगा दिस इज फॉर यू स्टूडेंट आप लोग बुक देखिए पढ़िए उसके बाद इस जो है ये क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल ओके सिंपल होमवर्क फॉर यू ऑल ओके सो आई थिंक ये पूरा जो क्लास करने के बाद आप लोग को बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज गेन हुआ है डेफिनेटली नॉलेज गेन हुआ है क्योंकि मैं इलाबोरेटली ये सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने सामने रखा हूँ सो आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच आप लोग अभी इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कीजिए पढ़िए और पढ़िए और भी आप लोग जान सकते हैं थैंक यू वेरी मच